हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भागलपुर आईटीआई। आज हम लोग जो है एक और प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनका नाम है डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े थे, माइक्रोमीटर के बारे में पढ़े, डिजिटल वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में पढ़े, जो है सब प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं। उसी के अनुसार आगे बढ़ते हुए जो है क्रम में हम लोग आज डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जानने वाले हैं कि डेप्थ माइक्रोमीटर से किसी भी जॉब का जो हम गहराई कैसे मापने वाले हैं, ठीक है, और 0.001 mm की एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले डेप्थ माइक्रोमीटर को, उसके बाद उससे जानेंगे कि कैसे उससे मेजरमेंट लिया जाता है, उसके पार्ट्स के बारे में सारा चीज़ हम देख। चलिए तो हम लोग अब जो है अभी आपको बताया कि हम लोग आज डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जानने वाले हैं, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर को हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ बॉक्स के ऊपर देख पा रहे हैं, कोई भी अगर डेप्थ माइक्रोमीटर जब आप लीजिएगा तो उसके ऊपर जो है आपका जो है लिखा रहेगा कि ये कौन सा माइक्रोमीटर, इस तरह से बॉक्स रहेगा आपको, ताकि डेप्थ माइक्रोमीटर को जो है अच्छे तरह से उसको रखा जाए, क्योंकि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको रखना भी एक सावधानी रूप से हमको रखना पड़ता है, ताकि उसमें कोई खरोज वगैरह सब नहीं आए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसको दिक्कत हो जाएगा, गिर उड़ जाएगा, तो उसके क्या है एक्यूरेसी में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, जब आप लीजिएगा बॉक्स तो बॉक्स के ऊपर भी आपको लिखा रहेगा कि जैसे यहाँ देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखी रहेगी। उसके बाद उसका रेंज भी आपको लिखा रहेगा कि ये जो अभी इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो 0 से 25 mm के रेंज का है, और उसका एक्यूरेसी भी लिखा रहेगा, यानी लिस्ट काउंट, यानी उसके उस डेप्थ माइक्रोमीटर के से हम जो है कम से कम कितनी जो है mm तक की, कम से कम कितने mm तक के माप को माप सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। खोलने के बाद देखिए इसमें जो आपको मिलेगा, ये देखिए यही है इसका डेप्थ माइक्रोमीटर है ये, ठीक है, ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है। उसके बाद जो है इसको हम यहाँ निकालते हैं, उसके बाद इसका जो है स्पिंडल भी इसमें अलग से रहता है लगा हुआ, ठीक है, ये स्पिंडल हो गया इसका। उसके बाद इसमें जो है हुक स्पैनर भी रहता है, जिसके द्वारा हम इसके मेजरमेंट को अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो उसको हम लोग सेट भी कर सकते हैं। अब बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मेरा जो है ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, जिसका जो फंक्शन जो होता है वो माइक्रोमीटर के समान ही होता है, ठीक है। अंतर इसमें इतना होता है कि इसका जो होता है उसमें आपको जो जनरल जो माइक्रोमीटर होगा उसमें आपको जो है फ्रेम मिलता है और उसमें एनविल होती है, फ्रेम और एनविल होती है, लेकिन ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इसमें आपको फ्रेम और एनविल नहीं मिलेगी। उसके बदले फ्रेम के बदले इसमें जो है ये बेस लगा रहता है उसमें, ठीक है। फ्रेम के बदले क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर में एक बेस होती है, और उसके बाद जो है बाकी का जो इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है। जैसे कि जैसे आपको देखे होंगे माइक्रोमीटर में जो है ये जो है थिम्बल लगा रहता है, जिसमें भी आपका थिम्बल है ये, ठीक है, जिसके ऊपर 0 से 50 जो है भागों में इसमें जो है ग्रेजुएशन बनी होती है, जिसका जो है एक ग्रेजुएशन का मान होता है 0.01 mm, जिसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। ये आपका जो है इसमें रनलिंग क्या हुआ है ताकि हम इसको घुमाने के बाद आसानी से हम इसको घुमा सके, ये आपका हो गया थिम्बल। उसके बाद जो थिम्बल के नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग बैरल या स्लीव बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ये थिम्बल जो है ऊपर खुलता है और बंद होता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बैरल या स्लीव बोलते हैं। ये देखिए इस पर जो है इसी पर जो इसका जो है रेंज होता है, यानी कि ये 0 से 25 mm तक के रेंज में जो है वो इसी पे जो है आपके बैरल या स्लीव के ऊपर ये लिखा रहता है। उसके बाद जो उसमें भी आप देखे होंगे रैचेट स्टॉप रहता है, इसमें भी आपका ये रैचेट स्टॉप है, ठीक है, माप को जो है कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए ये चट चट के आवाज़ कर रही है। उसके बाद इसमें लॉकिंग नट उसमें भी था और इसमें भी लॉकिंग नट है, उसमें देखिए ऊपर में भी आपको बॉक्स के ऊपर भी जो था रेंज लिखा हुआ था, इसके जो देखिए बेस के ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ है ना 0 से 25 mm इसका रेंज है, यानी इसकी इस डेप्थ माइक्रोमीटर के दौरान 0 से 25 mm तक के डेप्थ को हम मापने का काम करेंगे, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो भी आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0.01 mm। उसके बाद इसमें एक और जो है इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जो आपको जानना चाहिए, उसमें जो आप जो खोलते होंगे जो है माइक्रोमीटर को, आपको 0 इधर से मिलता होगा, 0 से लेके आपको 25 तक इधर मिलता होगा लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो है इसमें आपको उल्टा, ये चीज़ आपको एक उल्टा मिलेगा कि इसमें 0 इधर से स्टार्ट होगा और 25 इधर लास्ट होगा, क्योंकि ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, क्योंकि ये जब खुलेगा तो ये जब इसका जो स्पिंडल होगा, ये जो आपको स्पिंडल दिख पा रहा होगा, ये जब स्पिंडल इसमें लगेगा तो ये जब इसको जो हम खोलेंगे ये स्पिंडल अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ जाएगा तो यानी इसका जो 0 वाला जो है वो पीछे की तरफ रहेगा, और जब उसमें जो था आपका जो जनरल माइक्रोमीटर था उसमें जो 0 का जो वो शुरू से स्टार्ट होता था और लास्ट में ख़त्म होता था, लेकिन इसमें क्या है कि शुरू में आपको
अंत पहले की तरफ जो है, जैसे आप यहाँ ऐसे रखिएगा उसको भी ऐसे रखते थे, तो यहाँ आपको जीरो दिखता होगा और इधर आपको 25 दिखता होगा, लेकिन इसमें उल्टा है, ऊपर की तरफ आपको जीरो दिख रहा है और नीचे की तरफ आपका 25 दिख रहा है, क्योंकि ये डेप्थ माइक्रोमीटर यही इसका है कि अगर डेप्थ माइक्रोमीटर का यही है कि इसमें जो है उल्टा होती है, यानी 25 आपको पहले यहाँ रहेगा आगे की तरफ और जीरो आपको पीछे की तरफ होगा, ये जितना इसके अंदर जो ये बंद होगा उतना ही मेरा जो है डेप्थ होगा, यानी जितना ये बंद होगा उतना ही मेरा डेप्थ होगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें भी लॉकिंग नट है, बाकी सारा पार्ट्स वही है, इसमें जैसे जनरल में 25 था तो इसमें भी 25 है, थिम्बल पे 50 ग्रेजुएशन में बनी हुई थी उसमें भी है, ऊपर की तरफ जो है एक घर का माउन 1 mm है, नीचे आपका मेन डिवीजन ऊपर की तरफ हो गया और नीचे सब डिवीजन हो गया, और ये थिम्बल पे आपका थिम्बल डिवीजन होता है, यानी इसमें तीन तरह का डिवीजन, ऊपर मेन डिवीजन, नीचे सब डिवीजन और इस पे थिम्बल डिवीजन, ऊपर जो मेन डिवीजन है उसका एक घर का माउन होता है 1 mm और नीचे जो आपका सब डिवीजन है उसके एक घर का माउन होता है 0.5 mm और जो ये ग्रेजुएशन बनी हुई है उसके एक डिवीजन का माउन होता है 0.01 mm, ठीक है। जैसे कि आपको एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेन डिवीजन का जो माउन होता है, मेन डिवीजन का जो माउन होता है वो होता है 1.0 mm, ठीक है। उसके बाद सब डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.5 mm और जो थिम्बल डिवीजन है, इसका जो ये थिम्बल डिवीजन है, ये जो आपको थिम्बल डिवीजन ये दिख पा रहा होगा, इसका जो एक घर का वैल्यू होता है वो होता है 0.01 mm, जिसको कि हम लोग लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, इसी को थिम्बल डिवीजन का भी एक घर का जो मान होता है उसी को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, जो कि 0.01 mm होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, अब इसका पार्ट्स के बारे में जान लिए कि ये हो गया मेन डिवीजन, नीचे हो गया सब डिवीजन और ये हो गया थिम्बल डिवीजन। अब देखिए इसमें एक बात और है, ये जो थिम्बल डिवीजन आपको दिख रहा है, ये आपका जो जीरो दिख रहा है, इस जीरो को जो हम ऊपर की तरफ यानी क्लॉक वाइज में जब हम इसको बंद करते हैं, तो ये जब एक चक्कर पूरा कटेगा, यानी एक चक्कर जब ये पूरा लगाएगा, जैसे ये जीरो देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका जीरो है ना, ये जीरो जब एक चक्कर पूरा जब ऐसे करके जब पूरा घूमता है, जब फिर जब जीरो आता है, तो ये 0.5 mm खुलेगा, समझ गए, क्योंकि इसमें 50 जो है घर बना हुआ है और एक घर का मान हो गया 0.01, एक घर का मान 0.01 हो गया और इसमें 50 घर है ना, जीरो से शुरू हुआ और ये 50 घर है, तो जब एक घर का मान 0.01 हुआ और 50 घर है, उसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 0.5 mm, तो यानी जब इसको एक चक्कर जब पूरा घुमाइएगा तो ये आपका 0.5 mm खुलेगा या बंद होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें और एक पार्ट देखते हैं, इसमें देखिए अब जो है इसमें ये स्पिंडल है, ठीक है, अब स्पिंडल को हम लोग अलग से होता है, ये एडजस्टेबल स्पिंडल है, इसको हम लोग अलग से इसको सेट करने का काम करेंगे, चलिए ठीक है। अब ये स्पिंडल आपको दिख पा रहा होगा, अब स्पिंडल को हम लोग इसमें जो है सेट करने का काम करेंगे, ये देखिए जब इसमें सेट होगा, इसको जो है आप पूरा तरह से जो है इसको यहाँ दबा दीजिएगा, तो ये देखिए आपका इसमें स्पिंडल में जो है ये सेट हो गया, ये हो गया बेस। बेस को हम किसी भी चीज़ पर रखने के बाद ये स्पिंडल के मदद से जिसका जो रेंज है वो 25 mm, ये स्पिंडल का जो अगर पूछेगा कि स्पिंडल का रेंज कितना है, तो स्पिंडल का जो माप है वो 0 से 25 mm है, ठीक है। ये जो स्पिंडल है इसके द्वारा हम 0 से 25 mm तक की गहराई को मापने का काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको बढ़िया से इसको सेट कर लीजिएगा, यानी कि इसको दबा देना है, और ये लॉक नट है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को मापने के बाद इसको लॉक करने का काम करेंगे। चलिए इसको हम लोग है जीरो पे इसको सेट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हम देखिए पहले इसको जीरो पे सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसके द्वारा हम किसी भी जॉब को है मापने का काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऊपर की तरफ, यानी हम बताए थे ना इसमें उल्टा होता है, जीरो सेट करने के लिए हम लोग ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, यानी कि इसका जो जीरो है ना ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए इसको हम लोग जीरो पे सेट किए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए है ना, यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा होगा, यहाँ पे जीरो दिख रहा, अब हम इसको जीरो पे सेट किए हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और इसको जो है हल्का यहाँ देखिए है ना, यहाँ देखिए, ये देखिए जीरो पे इसको सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो जीरो पे सेट किए हुए हैं, तो ये देखिए जीरो के बाद जो है अब इसको हम लोग जीरो पे जब सेट किए हुए हैं, तो इसका जो स्पिंडल है ये पूरा से क्या चला गया, अंदर चला गया, यानी कि ये अभी बाहर निकला हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये बाहर निकला हुआ नहीं है। अब इसके द्वारा हम किसी भी जॉब के जो है मॉप लेने का काम करेंगे, तो ये जो स्पिंडल जो है ये आपका बाहर की तरफ निकलेगा, और जितना निकलेगा, जैसे कि आप लोग सपोज देखिए, हाँ पहले आपको समझा देते हैं उसमें क्या होता है, जब जैसे यहाँ
जितना भी उसका माप होगा, इसको जब हम आगे की तरफ लाएंगे, ठीक है, जब इसको हम आगे की तरफ लाएंगे, ये जितना हम आगे की तरफ इसको ले जाएंगे उतना ही ये स्पिंडल जो है आगे की तरफ खुलेगा, निकलेगा। तो जितना वो निकलेगा उतना हमको ये माप दे देगा, यानी कि ये पहले जीरो की तरफ था, ये देखिए पहले ये जीरो था, और जितना हम इसको अंदर की तरफ ये ढकेगा, यानी बैरल को जितना वो ढकेगा उतना ही मेरा क्या होगा, मान होगा। समझ गए, पहले था उसमें जितना खुलता था उतना मान होता था, क्योंकि मेरा जीरो इस साइड था और 25 इधर था, लेकिन इसमें उल्टा है, 25 पहले है और जीरो बाद में है। तो जीरो जिसे खुला हुआ है तो ये पूरा स्पिंडल मेरा क्या है, अंदर में है, ठीक है, अंदर में है। उसके बाद क्या है, जब इसको हम जितना भी इसको बंद करेंगे उतना ही मेरा क्या होगा, वो मान देगा। तो चलिए हम इसके मदद से अब एक जॉब को जो है मापने का, तो अब जो है अब आपके सामने हम एक पार्ट्स को है मापने के दिखाने वाले हैं कि ये जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं इसकी गहराई कितनी है। ये जो है इसके हम लोग मापने अभी गहराई इसका मापने वाले हैं कि इसके पार्ट्स की गहराई कितनी है। तो चलिए अभी देखिए, ये बेस है, ये बेस जो है पूरा अभी स्पिंडल अंदर है, ये पूरा देखिए अभी यही जो स्पिंडल जो निकलेगा तो इसी के द्वारा हम, ये देखिए बेस है, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे ये रखा हुआ है, अभी जो है इसका अभी जीरो बेस है, यानी इसके द्वारा हम कोई भी बेस का भी मापे नहीं है। अब हम इसके ऊपर जब किसी भी पार्ट्स का आपको गहराई मापना होगा, ये जो बेस है इसको उसके ऊपर रखेंगे और उस क्या करेंगे, इस स्पिंडल को हम लोग अंदर की तरफ ले जाएंगे, यानी उसकी गहराई मापने के लिए क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ चलाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये मेरा स्पिंडल जो अभी खुल रहा है, खुलने के बाद ये अभी पूरा ये लग जाए, लग जाने के बाद क्या होगा, इसको हम ये देखिए जब रेचेट स्टॉप इसको हम लॉक कर देंगे, क्या करेंगे इसको लॉक करने के बाद रेचेट स्टॉप, ये देखिए चट चट की आवाज़ आ रही है, लेकिन अब क्या है, अब ये मेरा अंदर नहीं जाएगा, ये मेरा फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद इस पार्ट्स को हटा देंगे। अब देखिए ये निकला ना, ये जितना सा बाहर आया यही जो माप यहाँ पे दिखाएगा वही क्या होगा आपका, ये जो पार्ट्स की गहराई होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसकी देखने वाले हैं कि ये पार्ट्स की गहराई कितनी है। तो पार्ट्स की गहराई जो होगा वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका 10 है और 10 के नीचे जो है सब डिवीज़न वो भी हमको दिख रहा है, यानी कि सब 10 के पीछे जो है सब डिवीज़न भी हमको दिख रहा है, ये 0.5 यानी कि ये क्या है 9 mm, यानी ये मेरा ढका हुआ कितना एम है, जितना मेरा ढका हुआ रहेगा उतना ही पार्ट्स की क्या होगा मेजरमेंट होगा। तो मेरा जो ढका हुआ माप है वो कितना हुआ है, 9 मेरा ढका हुआ है, यानी कि 9 मेरा अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 9 मेरा क्या हुआ है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 9 मेरा नहीं दिख रहा है, तो मेरा जो मेन डिवीज़न पे जो मान आया वो कितना आया मेरा, वो आया 9.00 mm, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद क्या होगा, अब हम लोग चलेंगे कि क्योंकि सब डिवीज़न हमको दिख ही रहा है तो हमको थिम्बल डिवीज़न पे चलना होगा कि 9 के बाद मेरा थिम्बल पे कितना मान आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए थिम्बल पे जो आपका मान आ रहा है वो आपका जो है दूसरा घर जो है वो आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका देख पा रहे होंगे, ये दूसरा घर जो है मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखिए दूसरा घर जो है इसका मैच हो रहा है, यानी कि दो घर ही मेरा जीरो के बाद क्या हो रहा है, जीरो के बाद मेरा दो घर ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो दो घर जब मैच हो रहा है तो वो हम लिख लेंगे कि क्या कितना घर जो है मिल रहा है, तो दो घर मेरा मैच कर रहा है। तो एक घर का वैल्यू आपको बताए थे, इसका जो एक घर का वैल्यू होता है थिम्बल डिवीज़न का वो होता है 0.01 mm, ठीक है। एक घर का वैल्यू कितना होता है, 0.01 mm, ठीक है। तो दो घर था तो दो घर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.02 mm मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेन डिवीज़न पे कितना आया था, मेरा मेन डिवीज़न पे आया था 9.00 mm और मेरा थिम्बल डिवीज़न पे जो वैल्यू आया था वो आया था 0.02 mm, ठीक है। तो टोटल को जब हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 20.9 mm, ठीक है। ये जो मेरा मेटल जो है, ये जो मेरा जो पार्ट्स था इसकी जो, ये जो मेरा पार्ट्स था इस पार्ट्स की जो टोटल जो मेजरमेंट आया मेरा, ये जो खुला हुआ था, ठीक है, तो ये पार्ट्स का जो टोटल जो गहराई है वो कितना है, 9.02 mm, ठीक है। यही जो है इस पार्ट्स की गहराई हुई, ठीक है। इसी तरह जो है किसी भी जॉब के जो है जब हमको गहराई मापनी होगी तो इसको बेस को रखेंगे और उसके बाद उसको लगाएंगे, जितना मेरा जो स्पिंडल है वो बाहर आएगा या जितना मेरा जो है ये मेजरमेंट को जो है थिम्बल डिवीज़न के द्वारा जो ये बैरल या स्लीव है उसको जितना ढकेगा वही जो है मेरा क्या होगा, गहराई होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। रखने के बाद क्या है, अब इसके बारे में ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है तो इसके जो है कुछ जो है हम लोग सावधानी के बारे में भी जानेंगे, इसको यूज करने के बाद हमको कैसे रखना चाहिए, यूज करने के बाद क्या करना चाहिए। इसके जो स्पिंडल है इसको जो है स्पिंडल को हमें खोल के रख लेनी चाहिए और इसका जो है इसको लॉक नट को खोलने के बाद
इसको जो है पूरा जो हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खुला हुआ नहीं रखना चाहिए। बंद करने के बाद क्या करना चाहिए, इसे जो है साफ कपड़े से साफ कर लेनी चाहिए, और इसे वैसे तो जब आप यूज कीजिएगा बराबर तो इसको साफ करने से कब साफ कपड़े से उसे साफ कर लेनी चाहिए। साफ करने के बाद क्या करना चाहिए, उसे बॉक्स के अंदर, देखिए यहाँ बंद करने के बाद ही ये बॉक्स के अंदर आएगा, खुला रहेगा तो आपका बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हम बोले थे इसको पहले बंद कर लेना है, उसके बाद इसे अच्छे से बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए, और स्पिंडल को भी हमें साफ करके जो है इसको भी बॉक्स के अंदर अच्छे से रख देनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो इसके गिरने से बचाना चाहिए, इसका जहाँ ज़रूरत है वहीं पर इसे रखनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।